सामने मलिक साहब खुदावंद बला वो हर इंसान की भलाई करते हैं, तो इंसान खुदा को याद करता है, खुदावंद आसमान छोड़कर जमीन पर आता है। मेरा पीछे मोबाइल पीछे ले अपने बेटे बेटियों के दिल मेरा मोबाइल पीछे ले सर प्लीज कॉल पीछे हो पीछे हो तो वादे के खिलाफ नहीं बल्कि वादा पूरा करते हैं। यहां पे खुदावंद सर उतरे हैं अपने बेटियों के हमला। मैं दुआ करता हूं राणा मदसर के लिए जो हमारा एमएनए है, उसकी कौशल से हमें ये चर्ची स्टोर मिला। खुदावंद मैं इसके लिए दुआ मांगता हूँ, इसके बीवी बच्चों के लिए दुआ मांगता हूँ। आपका खादम होते हुए आपके खादम के साथ मिलकर खुदावंद के साथ की रहनुमाई कर अपनी कुदरत से नवाज। तारक जेद तारे के लिए दुआ मांगता हूँ, इश्तियाक साहब के लिए दुआ मांगता हूँ। इन सबको ब्लेस कर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं इनके एक एक के साथ अहदेदारों को अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल कर, ताकि खुदा खुदा आपकी कौम की खिदमत करे और आपका साथ चले और आपकी दुआई देते रहे। मैं फिर से वजीर आजम के लिए दुआ मांगता हूँ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए खुदा दोस्त को ब्लेस कर बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। वो बड़े फूले और उनकी जिंदगी में आपका जलाल जाहिर हो। खुदावंद अपने बंदा की दुआ को सुन और कबूल फरमा। आपके प्यारे बेटे अपने मरोजी खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांग लिए तुम मान लेते हैं, आमीन। मसीह खुदावंद आपकी सलामती हो। प्रोग्राम आवाज़ हक के साथ आपका होस्ट अरुण यूसुफ और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ रामा। नाज़रीन आज हम मौजूद हैं योहानाबाद में और ख़ास करके यहाँ पे एक स्टोर का आगाज़ किया गया है, यूटिलिटी स्टोर का, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के कहने पर यहाँ पे खोला गया है, ख़ास करके मसीही बरादरी के लिए। और यहाँ पे इसका जो इफ्तिताह है उसको करने के लिए यहाँ के जो एमएनए हैं राना मुबशर इकबाल साहब वो यहाँ पे मौजूद थे, एमपीए जो यहाँ के हैं अख्तर बादशाह हुसैन बादशाह साहब वो यहाँ पे मौजूद थे, उनके साहब ज़्यादा यहाँ पे मौजूद थे और भी योहानाबाद की बहुत सारी नामी ग्रामी शख्सियात यहाँ पे आई हुई हैं। तो आए नाज़रीन हम सबसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि योहानाबाद के लिए ये जो यूटिलिटी स्टोर है कितना फ़ायदेमंद साबित होगा और क्रिसमस के मौके पर ही इसका इफ्तिताह जो है वो क्यों उन्होंने किया। Thank you.
और ये भी पाकिस्तान का एहसासा है और ये इनके छात हैं हम। मैं इस वक्त इनको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये यूनाबाद वो आबादी है जब प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन लड़ाई तो यहाँ पे स्वीप किया, जब वो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने भी 23 किलोमीटर गैस लाइन की पाइपें बिछाई, इनकी गली गली पक्की करवाई और इंशाल्लाह अब क्रिसमस के मौका पर ये तो इनको तोहफा मिला है और हम नया तोहफा इनको डेवलपमेंट का देने जा रहे हैं। ये जो सड़कें हैं ना, आपको जब आएंगे कारपेट मिलेंगी और इंशाल्लाह और भी जिस भी जगह। इस वक्त मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं डिपार्टमेंट के खास करके बंदों का जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से इस काम को अंजाम दिया, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तारिक जवेद तारिक और जितने भी मेरे ये चेयरमैन साहब इश्तियाक साहब और जितने भी भाई मेरे कम्युनिटी का एक एक बच्चा, एक एक माँ, एक एक बहन और एक एक भाई और एक एक बुजुर्ग को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और सबको इस जो यूटिलिटी स्टोर बना इसकी भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनको सेहत और जिंदगी दे और यूटिलिटी और पास्टर साहबान जो मजहबी रहनुमा हैं इनके, रात को भी हम इकट्ठे थे उधर ईसा नगर में तो काफ़ी इनके पास्टर उधर थे, कोई 12-13 थे और इनशाला यहाँ पे 100 से ज़्यादा इनसे, इन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो डिशेज को, पास्टर को। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की खसूसी हदायत पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोटेक्शन की तरफ से और एमडी यूटिलिटी स्टोर की तरफ से ये क्रिसमस के मौका पर हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके लिए एक तोहफा है और ये खसूसी तौर पे जो है वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज जो कि पूरे पाकिस्तान में दिया जा रहा था, यहाँ के लोग उससे महरूम थे तो उसमें 5 अशिया जो है आटा, चीनी, घी, दालें, वो चीज़ें सारी सब्सिडाइज रेट पे यहाँ दस्तियाब होंगी। इसके अलावा 1000 आइटम जो हैं हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल के वो भी मार्केट से 5 से 10% सस्ते वो भी दस्तियाब होंगे। और ये यूटिलिटी स्टोर जो है कल इतवार को भी खुला रहेगा और 25 दिसंबर जो है क्रिसमस डे पे, वैसे तो छुट्टी होती है लेकिन हमने खसूसी इंतज़ाम किया है कि ये हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए यहाँ पे ये 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले दिन भी खुला रहेगा और इंशाल्लाह वो इससे मुस्तफीद होंगे और वज़ीर आज़म का जो खसूसी रिलीफ पैकेज है उससे फ़ायदा उठाएंगे। सर और इसके अलावा जो है ये आप क्या समझते हैं कि जो स्टोर है ये इनके लिए या आइंदा जब गवर्नमेंट जो है वो चेंज भी होती है कई दफ़ा तो आप क्या सोचते हैं कि उस वक्त ये सिस्टम इसी तरह से चलेगा या मतलब इसमें कोई फर्क आएगा? नहीं बिल्कुल, ये परमानेंट स्टोर एस्टेब्लिश किया गया है, ये नहीं क्योंकि ये सिर्फ क्रिसमस के मौके के लिए, ये परमानेंट एस्टेब्लिश किया गया है, ये अपना काम जारी रखेगा और इंशाल्लाह जो भी गवर्नमेंट होती है, पिछली गवर्नमेंट भी इस पे जो थे आवाम के लिए रिलीफ देती रही, अब ये वज़ीर आज़म जब तशरीफ लाए तो उन्होंने इस रिलीफ को बढ़ा दिया, उन्होंने इस पे उसकी जो अमाउंट थी उसको बढ़ा दिया और आगे आने वाले वक्तों में भी ये सिलसिला जारी रहेगा और गरीब जितने हमारे आवाम हैं, मुस्तहिक लोग हैं, वो इससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। बहुत थैंक यू सर। आप हमें ये बताएं कि ये जो स्टोर यहाँ पे बना है यूहन्नाबाद में, इसके लिए जो कविश की गई उसमें कौन कौन लोग शामिल थे और आपने ये जगह ही क्यों चूज की? एक्चुअली देखें जो रिलीफ फंड है ना, मेरी कोशिश यही थी कि यहाँ पर पहले था वो शिफ्ट हो गया तो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का इतना बड़ा अधारा था तो नहीं, तो फिर एक्सेस पहुँच की गई अधारे तक को, ये असरान देख रहे हैं आप खड़े यहाँ पर, तो इनकी कोशिशों से, इनकी मोहब्बत से ये एक खुला, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए क्रिसमस का तोहफा है और ये ज़रूर थी, अगर किसी मुस्लिम को या दूसरी कम्युनिटी को रिलीफ मिल रहा है क्रिश्चियन को क्यों नहीं मिल सकता था, तो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है गवर्नमेंट की तरफ से और स्पेशल अदारे की तरफ से जो MD साहब हमारे के उनकी तरफ से, MD साहब ने खसूसी ये किया, हमारे सीनियर GM साहब कड़े दौला साहब उन्होंने शफकत की और आज ये आप देख रहे हैं कि इसकी ओपनिंग होगी और क्रिसमस को भी खुलेगा और संडे को भी खुलेगा ये। ठीक है। अच्छा सर ये बाहर जो आप जगह देख रहे हैं जब बारिश वगैरह होती है उस वक्त यहाँ पे पानी का भी बड़ा मसला होता है तो ये जगह देखिए, ये गवर्नमेंट ने करना, रोड पीछे बन गया है तो अभी राणा मुबशर साहब आए थे तो कहते ये भी बना दे तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, ये हल हो जाएगा। ठीक है। और खुली जगह है। हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि इसमें यूहन्नाबाद के जो लोग हैं उनका क्या रोल है जिन्होंने इसके लिए साथ? मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पे खुदा के खादम आए, पासेस आए, बिशप्स आए हैं, तारिक जावेद तारिक साहब चेयरमैन साहब, शकील मरकज साहब, इन्हीं के यहाँ पे बहुत सारे असकर जॉन साहब हैं, मेरे साथ बहुत तावन किया और हर कम्यूनिटी ने किया, यानी कि मुख्तलिफ चर्चिस ने, मुख्तलिफ डॉक्टर जो पाकिस्तान मसीह पार्टी चलाते हैं वो भी, और बहुत सारे खुदा के खादम पास यूसुफ साहब भी खड़े
यहाँ पे बहुत सारे मेरे साथ तावन किया, तो इसलिए यार ये कामयाब हुआ है। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदा के खादमों का, क्रिश्चियन कम्युनिटी का और स्पेशल प्राइम मिनिस्टर साहब का, उसके बाद फिर अदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ, MD साहब का, GM साहब का, दौला साहब का, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। मेरी तरफ से तमाम मसीही बहन भाइयों को क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। मैं नेशनल न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा वो हमारी बेहतरी के लिए, स्पेशली यहोनाबाद में हमारे इलाके के लिए हर वक्त सरगर्म अमल रहते हैं। और आज उन्होंने ये कवरेज जो दी है हमारे इलाके में, ये मियां शबाज़ शरीफ की तरफ से और राणा मुबशर की कावज से और इन तमाम जो हमारे नून लीग की भाई हैं, चेयरमैन इश्तियाक साहब और हमजा MPA साहब की वजह से हमारे इलाके में एक बेहतरीन यूटिलिटी स्टोर का इनकार किया गया है, जो इस वक्त हमारे इलाके में बड़ी सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि महंगाई का दौर है, महंगाई से पिसी हुई आवाम है, और अब ये यूटिलिटी स्टोर की वजह से हमें कुछ सहूलत हो जाएगी। और मैं इनसे अपील करता हूँ कि ये हमेशा शुरू बड़े जोश व खरोश से होता है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि जी यूटिलिटी स्टोरों पर भी वही बेजाबतगियाँ हो रही हैं। तो मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि इसको हमेशा के लिए जारी व सारी रखा जाए और गरीब और मुतासरा लोगों को इससे भरपूर जो है ना वो इस्तेफादा हासिल कर सकें। शुक्रिया नेशनल न्यूज़, थैंक यू, गॉड ब्लेस। आप क्या सोचते हैं कि ये जो स्टोर है, ये एक जो यहोनाबाद की कम्युनिटी है, उसके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? बहुत शुक्रिया नेशनल न्यूज़ नामा का। हमेशा नेशनल न्यूज़ नामा जो है ये हमारा यहोनाबाद के लिए और ख़ासकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए हमेशा सरगर्म रहता है, और ख़ासकर आज इस खसूसी प्रोग्राम के लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने सारा दिन हमारी कवरेज की, और ख़ासकर आज के दिन के लिए अपने इस एरिया के लिए, खाली मसीहों के लिए, बल्कि मेरी UC 245 और हमारी 246 में जितनी हमारी कम्युनिटी है उसमें क्रिश्चियन मुस्लिम जो गरीब लोग हैं वो उनके लिए ये पैकेज है। ख़ासकर मियाँ मोहम्मद शबाशी साहब, जो उन्होंने खसूसी तौर पर हमारे हलका के MNA साहब और हमारे हलका के MPA साहब के साथ मिलकर उन्होंने ये हमें खसूसी क्रिसमस से पहले पहले ये कहा था कि इसको ओपन किया जाए, और आज खुदा का शुक्र है कि आज हम इस काम के लिए सुखद हुए हैं कि आज हमारा ये ओपनिंग हो चुकी है, और लोग यहाँ से फैज़याब होंगे और देखेंगे यहाँ का जो आटा 400 रुपये और इसी तरह जो घी 300 रुपये है, ये देखेंगे वही चीज़ मियारी चीज़ है जो डायरेक्ट फैक्ट्री से आती है, जो घी 400 में 450 मिल रहा है यहाँ 300 में मिलेगा। और इसी तरह हमारे ये जो खुशियों का त्यौहार है उसमें हमें ये मियाँ शबाशी साहब ने हमें जो हमारे खुशियों को और दुबला कर दिया है कि अब जो हमारे पसमानदा लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके भी ये अब ये अच्छे तरीके से अपना किस्मत मना सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये जो स्टोर्स हैं, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, सामान एक दफ़ा तो पूरा भरा होता है, लेकिन बाद दफ़ा जो है वो सामान जो है उसकी कमी हो जाती है और कई कई दिन तक जो है वो सामान मिलता नहीं है। तो क्या सोचते हैं कि इसके लिए क्या प्लानिंग है? मैं समझता हूँ कि जो आज हमारा यहोनाबाद में जो स्टोर का इफ्ताह हुआ है, इसमें ये लोकल इफ्ताह नहीं हुआ। आप देखें कि अभी जो हमारे MD साहब हैं वो इस्लामाबाद से आए हैं, वो जो मेन इसको हैंडल करते हैं पूरे पाकिस्तान से, दौला साहब वो आए हैं, इसी तरह हमारे जो जोनल मैनेजर्स हैं जो नॉर्थ और साउथ के हैं वो दोनों जहां मौजूद थे, इसी तरह हमारे एरिया मैनेजर और इसी तरह हमारे इलाका के MNA राणा बशर साहब, हमारे इलाका के MPA साहब, उनके साहबजादे जो हमजा अख्तर बादशाह के बेटे एडवोकेट भी हैं वो हमारे साथ शामिल है। क्योंकि आपको पता आज ये जो खान साहब है इसने हमारे मुल्क को सूखा सांस नहीं लेने देना, आज नून लीग अपना कामों को डिलीवर कर रही है और ये हमेशा टांगे खींचने की तरफ जा रहा है। आज हमारे MP साहब हमारे पास यहाँ होना था, लेकिन आपको पता कि आज पंजाब असम्बली का जो इन्होंने कहा था कि हमने इसको दलील कर देना, उस सिलसिला में उनको मियाँ शबाशी साहब ने स्पेशल बुलाया और राणा मशहूर साहब के पास पहुँचे थे। इसलिए आप देखें कि अब हम काम करें या ये सियासी मामला को हमारी क्यादत उसको देखे, लेकिन उसके बावजूद देखें आप पता है कि मियाँ शबाशी के बारे में यह है कि ये स्पीडोमीटर हैं, जैसे इन्होंने पंजाब को पहले डिलीवर किया था ऐसे वे पूरे पाकिस्तान डिलीवर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अब ये दिन दूर नहीं जाओ कि ये पंजाब को हुकूमत भी हमारे पास आएगी और यहाँ अख्तर बादशाह की सूरत में हम यहाँ जो तरक्यात काम है, जो पंजाब की जो अपना अख्तियारत है वो भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हमारे राणा बशर साहब ने भी अभी ऐलान करके गए हैं कि वो हमारी UC 245 और 246 में 5-5 करोड़ रुपए के वो हमारे यहाँ डेवलपमेंट काम कराएंगे। ये देखिएगा ये नून लीग है, ये मेरा इसका नाम ही कामों वाली पार्टी है, ये काम करना जानती है, काम करवाती है, लेकिन ये जो
ये हमारा जो इंतशारी खान साहब हैं, इसमें पता नहीं हमारे मुल्क से क्या इसको दुश्मनी पड़ गई है कि ये कामों के जब भी काम स्टार्ट होते हैं ये कोई ना कोई पटा डाल देता है। और हम आज खुशी के दिन में और सख्त बातें नहीं करेंगे और तमाम अपनी यूसी 245 और 46 में अपने तमाम सिंहों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि क्रिसमस की खुशियाँ उनको मुबारक हो। और नए साल के लिए मैं तमाम अपने मसीह भाइयों और अपने मुस्लिम भाइयों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि हम ऐसे ही पाकिस्तान के लिए दिन रात काम करें और हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो हम भी हमारे खानदान में बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हमारा खानदान है, हमारा घर घराना है, ये सब पाकिस्तान के साथ ही मुंसलिक है। सर आप स्टोर के हवाले से कुछ कहना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कायदे मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे हलके के लिए खसूसी शफकत फरमाई। ये यूटिलिटी स्टोर हमारे इलाके के लिए एक नेमत ही है, हमारे लोगों के लिए इधर मियारी चीज़ें भी हैं, रियायती भी हैं और इंशाल्लाह ये चीज़ें भी मिलेंगी। MD साहब भी खुद आए थे तो इफ्तिताह हुआ आज इनका, हमारे यकीन करें ये बड़ी हमारे इलाके के लिए बहुत खुशी की बात है कि योहानाबाद के बाज़ार के अंदर, ये कोई मेन पे या वाक उसके लिए नहीं बना, ये योहानाबाद के अंदर बना है स्टोर, ये यहाँ ये स्पेशल यानी योहानाबाद के बासियों के लिए बना है। तो इंशाल्लाह और भी मज़ीद हम तरक्याती कामों का भी सिलसिला शुरू कर रहे हैं और आज हमारी पार्टी तहरीक-ए-एतमाद भी पंजाब असम्बली में पेश कर रही है, इंशाल्लाह उधर से भी इनको हम भगाएँगे अल्हम्दुलिल्लाह। और बस और मेरी तरफ से योहानाबाद को और तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्रिसमस भी की मुबारकबाद हो, नए साल की मुबारकबाद हो। ये चेयरमैन साहब हैं, हमारे भाई हैं, इनकी काविशों से ये सारे मामला चल रहे हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नाज़रीन यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे एक स्टॉल लगा है, हम यहाँ पे जो स्टॉल के जो इंचार्ज हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पे स्टॉल एक तो उन्होंने लगाया और साथ ही साथ यूटिलिटी स्टोर का यहाँ पे बनना वो क्या समझते हैं कि योहानाबाद के लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा जी, ये बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से यूटिलिटी स्टोर, स्पेशली ये आम लोगों को, आम पब्लिक को जो है इसकी एक अवेयरनेस है और वो आते हैं, चीज़ें सस्ती मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट। और हमारा मकसद भी यही है कि हर तबके को जो है, बेसिक हमारा जो CP ब्रांड है उसका मकसद ही ये है काम करने का कि हम हर तबके को जो है वो हमारे टेस्ट से जो है वो उनको इंट्रोड्यूस करवाएँ। हमारे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं इसमें, कोई 6 फ्लेवर्स हमारे मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमारा जो सबसे एंटीक है वो है मैंगो कोलाडा, जो कि अभी तक किसी और कंपनी के पास नहीं है। तो मैंगो कोलाडा का जो टेस्ट है वो आप ये कह लें कि कोकोनट और मैंगो मिक्स। बाकी इसके अलावा हमारे ट्रॉपिकल है, ये भी अभी तक किसी और कंपनी के पास नहीं है ट्रॉपिकल। इसके अलावा हमारे रेगुलर जो है रेड अनार, रेड ग्रेप और मैंगो एंड एप्पल। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो जूस है, ये जो आपके ब्रांड है, ये यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे अवेलेबल होंगे और क्या जो मार्केट की कीमत है उससे यहाँ पे कम मिलेंगे या वही सेम प्राइस से? डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा, प्रॉपर डिस्काउंट जो होता है वो ऑब्वियसली उसकी एक हमारी जो है वो सेटलमेंट यूटिलिटी स्टोर्स के साथ हो रही है। वो इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान में, स्पेशली नॉट इनली लाहौर, पूरे पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर पे ही हमें आपको एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस कम मिलेगा। अभी ओवरऑल अगर आपके बड़े जितने भी चेन स्टोर बात करें जिसमें बहुत सारे नाम है, उन पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है हमारा ब्रांड जो है। इसके अलावा हमारे कैंस हैं जो कि रिव अल्ट्रा कूल के नाम से, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, रिव अल्ट्रा स्पार्क है, फिर इसके अलावा हमारी सॉल्टी ड्रिंक है लेमन। तो ऐसी हमने कुछ चीजें, और स्पेशली जैसे कोक चल रहा है उसके अगेंस्ट हमने नेरो कोला वो निकाला है और उसके साथ ऑर्गेनिक, इट इज प्योर ऑर्गेनिक ड्रिंक। और पाकिस्तान में आज से पहले अभी तक किसी और ने ऐसी ड्रिंक्स जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। सो हम लोग ने ये फर्स्ट स्टेप लिया और अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक बहुत अच्छा है पब्लिक का। आप बच्चों का रश देख सकते हैं कि बच्चे तो कह रहे हैं फौरी दे दें, असल में ऐसा होता है कि फ्री में जब चीज मिली होती है तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा है। लेकिन यहाँ के जो इंचार्ज से जो अभी आए हुए थे, गेस्ट भी आए हुए थे जिनका आप इंटरव्यू ले रहे थे, तो सबने टेस्ट किया। तो आप मुझे ये बताएं कि कितना डिस्काउंट आपने रखा है इस स्टोर के लिए? इस स्टोर के लिए देखें जी, हमने अच्छा खासा डिस्काउंट रखा है और ये एक सरप्राइज है, जैसे सरप्राइज होती है चीजें, ये भी एक सरप्राइज है पब्लिक के लिए और योहानाबाद के लोगों के लिए। इंशाल्लाह यूटिलिटी स्टोर ऑन हो चुका है, इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये आपको जो है वो अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा। वैसे इसकी जो मार्केट रिटेल है वो 150 है। 150 है, और यहाँ पे कितने का अवेलेबल होगा? ये कुछ तकरीबन आपको मिलेगा कोई 140 के अराउंड, 135 का। 10-15 रुपीस का जो है वो। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। चलें, थैंक यू सर आपका। जी नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे कि आए हुए मेहमानों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने बताया कि ये जो यूटिलिटी स्टोर है, ये यहाँ की ये जो बासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं योहानाबाद के, उनके लिए भरपूर तरीके से काम करेगा और उनको म्यारी जो अशिया हैं
जिसमें आटा है, चीनी है, दाल है, घी है, वो सारी चीजें उनको जो है वो अच्छी क्वालिटी की और पूरी मिकदार में यहाँ से मिलेंगी। तो आपने जाना कि यहाँ पे स्टोर का खुलना योहानाबाद के लोगों के लिए कितना खुश आइंद है। तो नाजरीन आप इस प्रोग्राम को देखें और आप अपने कमेंट्स जरूर इस प्रोग्राम के हवाले से डालें कि योहानाबाद का जो इलाका है आप क्या सोचते हैं, वहाँ पे और जो तरक्याती काम है उनको किस तौर से यहाँ पे किया जाए, ताकि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वो क्या क्या काम यहाँ पे करने का जो है वो इरादा रखते हैं। तो नाज़रीन इस बात के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन तारक प्यारो को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।